Advocate Alok has filed a PIL about the incident that has taken place in Sandesh Khali and has spoken about it as well. Let's quickly listen in. देश खली मामले में जो एक अत्यंत ही दुखद और हृदय विदारक मामला है, जिसमें कई महिलाओं ने ये बताया है मीडिया को कि कई सालों से जो वहां की रूलिंग टीएमसी पार्टी है, उसका एक मास्टरमाइंड, उसका एक गुण और भी जो उसके कार्यकर्ता थे, वो लोग कई सालों से इन महिलाओं के साथ रेप करते आए थे, इन्हें इनके घरों से पिक करके और इनको सेक्सुअली असॉल्ट और हर तरह से प्रताड़ित करते थे। तो इस मामले में मैंने एक पीआईएल फाइल की है, जिसमें कि मैंने इनके लिए न्याय मांगा है। इस मामले को मैंने आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में मेंशन किया और मैंने इसमें एक त्वरित कार्रवाई और त्वरित सुनवाई की मांग करने के उद्देश्य से ये मेंशनिंग की। तो मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये एडवाइस किया कि मैं इस मामले को जो एक प्रक्रिया है उसके तहत ईमेल के जरिए कंसर्न रजिस्ट्रार को भेजूं और आज ड्यूरिंग द डे इस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि इस पर कितनी जल्दी सुनवाई। ओके, ऑलराइट, माय कॉलीग रेनिक दत्ता विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। रेनिक, व्हाट एग्जैक्टली इज नाउ दिस पीआईएल ऑल अबाउट दैट हैज बीन फाइल्ड? देखिए, संदेश खाली का हालत क्या है, संदेश खाली का सिचुएशन क्या है, इस घटना को लेकर ही पूरा चर्चा चल रहा है। ये पीआईएल जो दाखिल किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो पूरा संदेश खाली का जो मामला है, ये मामले में जो जो पार्ट सामने आया है, ये पार्ट में कौन से चीज शामिल है, कौन से मुद्दा को छुपाया जा रहा है, जिस जिस मुद्दे को बीजेपी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से या टीएमसी सरकार की तरफ से बहुत सारे चीज को छुपाया जा रहा है। जैसे कि पिछले दो दिन में भी दिखा गया था कि जो भी अपोजिशन लीडर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत करने के लिए वो लोग जाना चाहते थे, उन लोग को बातचीत करने के लिए नहीं जा पाया। उसके साथ साथ ही जो दो एजेंसी, तीनों एजेंसी की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था, फैक्ट फाइंड किया गया था, एक है वुमेन कमीशन, दूसरा है एससी कमीशन, तीसरा है एसटी कमीशन, तीनों कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया था, वो रिपोर्ट का मुद्दा क्या है, क्या सिचुएशन है, 144 अगर लागू किया गया है तो क्या सिचुएशन कंट्रोल में लेके आया गया है, कितना आदमी को अरेस्ट कर दिया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और इसके साथ साथ ही जैसा कंप्लेन आ रहा है महिलाओं की तरफ से कि महिलाओं को ऊपर अत्याचार किया जाता था, हैरेसमेंट किया जाता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता था उन लोगों के ऊपर, तो ये बात क्या है, इस बात को लेकर संदेश खाली का सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, और ये सिचुएशन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से या वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया गया है, इस बारे में भी ये क्वेश्चन ही उठ रहा है अभी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.